कल एक स्टूडेंट आया और बोलता आचार्य प्रशांत के बारे में बोल रहेगा, सर ये है वो सिगरेट पीता दारू पीता था, और लास्ट में बोला वो तो ऐसा है कि 100 चूहे के आगे बिल्ली हज को चली। मैंने बोला यार हज तो जा रहा है, कम से कम पहले जो था वो अलग है। अब एक ट्रांसफॉर्म्ड इंसान बन चुका है, हमें क्यों एक एटीट्यूड बन चुका है कि हर एक बंदे में कमियां ही निकाल दी होती है। यार अवर पर्सनैलिटी इज अ सम ऑफ डिफरेंट पर्सनैलिटी, 4-5 लोगों का मिलके हम, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे, हम हर चीज सिर्फ नेगेटिव ही देखते हैं। उसमें कुछ नेगेटिव है लेकिन बहुत कुछ पॉजिटिव भी तो है, आप उसका नेगेटिव क्यों उठा रहे हो? ट्राई टू पिक अप दैट इज समथिंग पॉजिटिव। और हमेशा ध्यान रखो ऐसे लोग नॉर्मली अगर कहते हैं चूज योर प्रोफेशन वेरी केयरफुली, तो IAS के लिए पढ़ाते हैं, सबसे नीचे IAS है, उसके ऊपर पॉलिटिकल बॉस आ जाते हैं, फिर उसके बाद बिजनेसमैन आ जाते हैं, और सबसे ऊपर फॉर एग्जांपल द लीडर्स है। अगर अपना प्रोफेशन अच्छे तरीके से चूज किया है तो जेलस होने की क्या जरूरत है यार, सीखो कुछ उनसे।